प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रदेश में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में लगभग 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। इसी क्रम में महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से कुल 23,520 अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31, 2024 को प्रत्येक दिवस 2 पालियों में आयोजित होगी। ललितपुर जिले की बाढ़ थाने को मिली बड़ी सफलता, 7 अभियुक्तों को 6 मोटरसाइकिल और 1 देशी तमंचा सहित बाढ़ थाना पुलिस ने धर दबोचा है। चोरी की गई मोटरसाइकिल में 2 मोटरसाइकिल बाढ़ थाने अंतर्गत से की गई थी चोरी। आपको बता दें कि दोनों मोटरसाइकिल का मुकदमा बाढ़ थाने में ही पंजीकृत था, जून 2024 में ही था। मोटरसाइकिल चोरों की लगातार खोजबीन की जा रही थी, जिसमें आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पीलीभीत में भाजपा राजनीति के हजारों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां सभी ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन को लेकर जनपद के कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात की गई है। लखीमपुर खीरी के बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पानी का बहाव अब नेशनल हाईवे 731 पर तेज हो गया है, जिससे आवागमन बाधित है। तेज बहाव में 2 बाइक सवार बहे, आसपास के लोगों ने जान बचाई। जिले के दर्जन भर गांव में शारदा और घाघरा नदी कटान कर रही है। बहराइच में पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा 23, 24, 25, 30, 31, 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को सुचितापूर्ण और नकलविहीन निष्पक्ष कराने को लेकर परीक्षा केंद्र महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय का भ्रमण कर अभ्यर्थियों के परीक्षा स्थल पर प्रवेश के समय किए जाने वाले चेकिंग स्थल और परीक्षा केंद्र स्ट्रॉन्ग रूम और कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया गया। व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम सभी केंद्रों पे और हमारे स्ट्रॉन्ग रूम पे किए गए हैं, और जो चेकिंग फिस्टिंग परीक्षार्थियों की होनी है उसका दायित्व उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है। उसके लिए विधिवत ड्यूटी लगाई है, कई है पूरे स्कूल्स के परिसर की निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोई भी अनाधिकृत वस्तु, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो आजकल यूज होते हैं, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी भी दशा में किसी भी सेंटर पर अपनी कोई अवैध गतिविधि को पारित करने में सफल न हो सके। साथ ही बाहर शहर में भी जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं उसके आसपास कानून व्यवस्था हेतु एवं ट्रैफिक के निर्बाध संचालन हेतु भी पुलिस बल लगाया गया है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या ना आए। बस स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन पे आज शाम से ही हमारे पुलिस हेल्प डेस्क क्रियाशील हो रहे हैं, ताकि जो बाहर जनपद के सभी परीक्षार्थी हैं वो आना शुरू होंगे तो उनको अपने परीक्षा स्थल तक पहुँचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर कचहरी में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता शताब्दी गेट से होते हुए फूलबाग गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च करते हुए नजर आए। गांधी प्रतिमा पर मौन प्रदर्शन कर कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई हृदय विदारक घटना का विरोध दर्ज किया है। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने हाथ में लाल पट्टी बांध कर पैदल मार्च निकाला। सरकार से मांग की है कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों में त्वरित और सख्त फैसले लेते हुए न्याय को पुख्ता किया जाना चाहिए। कोलकाता में जो एक डेनी डॉक्टर के विरुद्ध जो ये बहुत बीभत्स घटना घटी है, उसको लेकर के आज ये हमारा जुलूस प्रदर्शन है और डॉक्टरों के समर्थन में, और हम यहाँ से गेट से गांधी प्रतिमा फूलबाग तक जाएगा हमारा मार्च ही, और हम इसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि कहीं भी देश के किसी कोने में भी जहाँ डे नाइट या इस तरह की व्यवस्थाएँ कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पारिचा डैम में बीते मंगलवार की शाम पिकनिक के वक्त सेल्फी लेने के दौरान डूबे युवक का शव पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 38 घंटे के बाद बरामद किया है। बेटे का शव देखकर परिजन बिलख पड़े। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता से ग्रसित निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं। कानून व्यवस्था सर्वदा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज के बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। ये बात गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के कानपुर प्रांत के प्रांत प्रभारी प्रांत मंत्री राजीव पुरवाल ने सरसरिया घाट से निकाली गई विरोध यात्रा में कही। द्वारा बांग्लादेश में जिस तरह के हिंदू, खास करके वहाँ की जो हिंदू बहन बेटी है, उनकी आबरू लूटी जा रही है, उनके वस्त्र उतार के उनके पिता और उनके भाइयों, उनके घर के लोगों के सामने उन्हें बलात्कार किए जा रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं के संपत्ति लूटी जा रही है, ये भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंदू समाज बहुत आक्रोश में, पूरी दुनिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वहाँ भी हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है, और भारत में तो बहुत संख्या में हम लोग हैं, लगभग 100 करोड़ लोग हैं। आज कानपुर ने वो करके दिखाया है, इससे सभी हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं संतों के अगुवाई में, लाखों की संख्या में आज कानपुर में सरसैया घाट है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरी सड़क भरी हुई हिंदुओं से, और हिंदुओं ने करके दिखाया है, इसी तरीके से लगातार करते रहना होगा। हरदोई में जेब कतरों से किसान की जेब से पार किए 4,000 रुपए। कृषि कार्य के लिए खाद बीज लेने आया था किसान।
रास्ता पूछने के बहाने सरौन निवासी किसान से की टप्पेबाजी। बाइक पर सवार दो लोगों में सटकर खड़े हुए एक टप्पेबाज ने काटी जेब। बिलग्राम कस्बे के मुख्य चौराहे का एक बुरा मामला। प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में आयोजित वृहद रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार मिशन रोजगार को नया आयाम देते हुए इसे गति प्रदान कर रही है। 17 अगस्त को अंबेडकर नगर और 18 अगस्त को अयोध्या में आयोजित वृहद रोजगार मेलों के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी इस प्रकार का आयोजन किया गया है, जहाँ अंबेडकर नगर अयोध्या में 12,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। राजकीय इंटर कॉलेज जीजीआई के अध्यापक धरने पर समय से वेतन न मिलने से परेशान। दर्जनों अध्यापक लिखा अधिकारी पर लगाए लापरवाही करने के आरोप। कार्यालय से अक्सर नदारद रहते हैं ब्रजेश शुक्ला, अध्यापक लेखाधिकारी के खिलाफ दे रहे धरना। क्षेत्र के गांव झिरन से मीटर की डिंग लेने घर के अंदर मीटर रीडर नवनीत की बाइक चोरी हो गई। पीट ने बाइक चोरी की तहरीर पुलिस को सौंप दी है। बता दें कि गांव झिरन में बुढ़ू के घर के अंदर मीटर की रीडिंग लेने गए मीटर रीडर हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव गोशपुर निवासी नवनीत की बाइक को किसी गैर चोर ने चोरी कर ली। पीट ने बताया कि जाफराबाद पंचायत घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में बाइक चोर अमरोहा मार्ग पर जाता दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ के जीवनपुर बाजार में मुख्य मार्केट और चौराहे पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान यातायात नियमों की जानकारी दी गई। एक हेलमेट लगाकर ई दुपहिया वाहन चालक वाहन चलाने के निर्देश दिए। चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर सभी दस्तावेज साथ लेकर चलने के लिए कहा गया। कोई भी वाहन अपनी इच्छित गति सीमा से चलने के लिए कहा गया है। पैसों के बदले भाजपा सांसद ने मांगी एक रात। जहां एक ओर सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। किसी महिला पर अत्याचार ना हो, ना ही उन्हें परेशान किया जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बीते दिन दरगाह थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने भाजपा सभासद पर आरोप लगाया और न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, जिसके बाद पुलिस को आखिर में भाजपा सभासद समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा और अब जाँच में जुट गई। मेरे मोहल्ले की जो सभासद है ये उनके साथ के मतलब कुछ पक्षी है मेरे जो सट्टा खुलवाए थे, तो मेरे पति को पैसे दिए थे कि वो मारे पीटे मेरे पति को। जब हरवा दिए सट्टा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा नाजायज फायदा उठाने के लिए इन लोगों को मतलब तुम्हारे पति को सट्टा खिलवाए हैं, और जो फिर मेरे घर पे आए मार पीट किए, मेरा पति भाग गया बाहर, फिर हमसे आके पैसे मांग रहे हैं ज़बरदस्ती, और जो है कह रहे हैं कि जो है पैसे नहीं दोगी तो तुम मेरे साथ चलो, और जो है हमारा हाथ पकड़ लिए और जो है हमारे छाती पे हाथ लगाने लगे, बदतमीजी करने लगे मुझसे और गलत गलत कमेंट पास करने लगे।